सो आज की डेट जरूर लिखनी है, राइट डाउन। तो यू नो स्ट्रक्चर जो है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम अबाउट, फर्स्ट वी कम टू लेट्स से सबने लिखना है बेटा, ठीक है? एवरीबडी हैज टू राइट, ताकि जब आप क्लास में करो तो आपको बहुत क्लैरिटी हो। तो फर्स्ट थिंग, सेल वॉल, क्लास 8 है, माइक्रोब्स हमने किया है, तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन फंजाई, एंड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, राइट? ओनली दीज, ठीक है? इन बैक्टीरिया द सेल वॉल हैज डिफरेंट कॉम्पोजिशन, किसकी बनी है? इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट सबसे पहले, क्योंकि प्लांट्स आप देख सकते हैं। सो इन प्लांट्स इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोस। नाइन्थ में जाओगे फिर यही चीजें आएंगी, बट इफ यू डू हियर वेल यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन क्लास 9, राइट? सो इन प्लांट्स द सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोस। इन फंजाई, फंजाई यू नो ब्रेड मोल्ड, फंजाई यू नो मशरूम्स, है ना? डू यू रिमेम्बर द एग्जाम्पल? मुझे यस नो बता दे, अपने माइक ऑन कर दो, ठीक है? माइक ऑन कर दो सो दैट आई शुड नो कि मैं एक लाइव क्लास को पढ़ा रही हूँ, मुझे आंसर मिल रहा है। ऑरबिंदो, एरिस्टोटल, एलेजेंड्रो, एलेजेंड्रो आप मुझे दिख नहीं रहे, बट यू कैन टेल मी फंजाई की एग्जाम्पल्स, डू यू रिमेम्बर? यस, है ना? मशरूम, अनदर इज ब्रेड मोल्ड, अनदर हमने किया था पेनिसिलियम, है ना? डू यू रिमेम्बर? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम। बेटा इधर देखोगे एरिस्टोटल, इधर गर्ल सेकंड बेंच, इधर बिल्कुल। ये क्यों मैं पिछले भी करा रही हूँ? सो दैट यू कैन यू नो रिकॉल द ओल्डर थिंग्स। सो पेनिसिलियम फ्रॉम विच द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रिपेयर्ड, इट वाज ए फंगस, राइट? तो इन फंगस द सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ, सम सेज चिटिन, सम सेज काइटिन, वन एंड द सेम थिंग, चिटिन और काइटिन, जो आपको याद हो जाए। एंड इन बैक्टीरिया सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ म्यूरिन। तीनों नाम याद रखने हैं, बट ये तो बहुत जरूरी, ऑल द थ्री आई होप इट इज गिवन इन योर बुक्स, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्लांट्स द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स, एंड इन प्लांट्स इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, एंड रिमेम्बर दैट सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। व्हाई नॉट इन एनिमल्स, व्हाई इन प्लांट्स और फंगस? बिकॉज रीजन असर्शन आएगा अभी यहां पे। सेल वॉल फर्स्ट थिंग इट इज नॉन लिविंग, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई ये ग्रो नहीं करी है, एक बार ग्रो कर गई बस, इट इज नॉन लिविंग।
सेकेंड थिंग, इट इज टफ, टफ एंड हार्ड है ये, फ्लेक्सिबल नहीं है। लिख लो बेटा लिख लो, ये दोबारा नहीं मिलेगा। इट इज टफ, इट इज नॉन फ्लेक्सिबल। इट्स नॉट इलास्टिक। स्पेसिफिक शेप, टू सेल्स, सेल्स को ये स्पेसिफिक शेप देती है, टफ है ना, दैट्स व्हाई वी ड्रॉ प्लांट सेल लाइक दिस। इस तरह से प्लांट सेल नजर आता है, इट गिव्स स्पेसिफिक शेप, क्योंकि प्लांट्स के सेल्स फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, बिकॉज प्लांट्स आर फिक्स्ड, उन्होंने कहीं मूव नहीं करना है, दैट्स व्हाई, इसलिए उनको हार्श कंडीशन से भी उसको टॉलरेट करना पड़ता है, दैट्स व्हाई दे हैव सेल वॉल, थिक सेल वॉल, टफ सेल वॉल। सो गिव स्पेसिफिक शेप टू द सेल्स। और एक ही सेल वॉल का एक और पॉइंट लिख लेना, दैट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग मेनली, अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल्स की, प्रोटेक्टिंग प्लांट सेल्स फ्रॉम हार्श या अनफेवरेबल कंडीशंस, बातें बिल्कुल भी नहीं, फेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल मींस हार्श कंडीशंस, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, इस तरह से। ओके, दैट्स व्हाई सेल वॉल इज टफ, नॉट ओनली प्लांट्स बट फंगस एंड बैक्टीरिया आल्सो। एंड रिमेंबर दैट वन मोर पॉइंट, सेल वॉल इज फुली परमिएबल। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई फुली परमिएबल का क्या मतलब है? Can anybody tell me the meaning of the term permeable? Permeable का क्या मतलब है बच्चे? Yes? जी एरिस्टोटल, yes, the first girl. जल्दी से आगे आकर बताओ। मैम which allow the substances to pass easily. बिल्कुल ठीक है, permeable means which allow all substances to cross through it. बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं। सो जिसको नहीं पता वो लिखे, फुली परमिएबल मीन्स विच अलाउ ऑल सब्सटेंसेस टू क्रॉस थ्रू इट इजीली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, सो इफ दिस इज, ध्यान से इधर देखना है, दिस इज प्लांट सेल, बातें बिल्कुल भी नहीं, प्लांट सेल में बाहर क्या है, दिस इज सेल वॉल, एंड इनर टू सेल वॉल इज प्रेजेंट फ्लेक्सिबल लेयर। सिर्फ सेल वॉल नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, प्लांट्स में एक और लेयर है, ठीक दिस लेयर कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज, सेकेंड वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। दिस इज प्लांट सेल। ये बेटा मैंने तो दोनों के बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में गैप नहीं। हैव यू सीन बॉइल्ड एग, देखा है सबने?
से यस और नो अपने, यू कैन मूव योर नेक, यस और नो, सब नहीं में। अगर आप उसकी, जब आप तोड़ते हो, वो भी आपने किया होगा, बड़े बच्चे हो गए हो, व्हेन यू ब्रेक इट, जब उसकी शेल उतारते हो, तो यू मस्ट हैव सीन अ मेम्ब्रेन व्हिच इज स्टिक टू द यू नो शेल, देखी है कभी, है ना? देखना कभी, जिसने नहीं देखी दोबारा से आज शाम को बॉयल करना है, और वो देखना कि शेल उतारोगे तो साथ में कभी कभी वो उसके साथ होती है, कभी अलग भी हो जाती है, जनरली उसके साथ चिपकी होती है एक मेम्ब्रेन। लाइक दैट प्लांट सेल वॉल के साथ भी क्या मेम्ब्रेन चिपकी हुई है, दैट इज स्टिक, कौन सी मेम्ब्रेन है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, और सबसे बाहर क्या है, दिस इज, अच्छा ये लिखा ही हुआ है हमने, दिस इज सेल वॉल, राइट? देन इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स की कुछ भी शेप हो सकती है, हम जनरली ऐसे बना लेते हैं, एनिमल सेल इज फ्लेक्सिबल, व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल, आप देख रहे हो ये टिपिकल एनिमल सेल है, यू कैन सी ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हिच इज दिस ऑर्गेनिज्म, अमीबा, अमीबा अमीबा है ना, तो अमीबा ही रेगुलर है, क्यों, क्योंकि उसके बाहर क्या है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, राइट? हमारे WBCs है, वो भी ऐसे ही लगते हैं, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते चलो साथ, दिस इज इन, एनिमल्स है, तो ऊपर लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड अच्छा द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेरी तरह पीएम नहीं लिख देना है, पूरा लिखना है आपने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, चाहे प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फंगल सेल है, प्रोटोजोआ का सेल है, कोई सा भी सेल हो, तो उसकी लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर है, सेल वॉल है तब भी उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डायग्राम जरूर बनाने हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल, अब हम इसके साथ साथ आगे करते चलेंगे, फिर उसके नीचे निकलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट पॉइंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल, सेकेंड पॉइंट, लिविंग एज इट कैन ग्रो, कैसे पता चला कि ये लिविंग है, एज इट कैन ग्रो, इट कैन रिपेयर इट सेल्फ, सब रीजन असर्शन के क्वेश्चंस है, यू वोंट फाइंड सच थिंग्स इन योर बुक्स, इट इज लिविंग, सेल वॉल इज डेड, इट इज नॉन लिविंग, वेयर एज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, कैसे है, ये भी मेम्ब्रेन है, वो भी बाउंड्री थी, बिकॉज इट कैन ग्रो, इट इज फ्लेक्सिबल, अगर इसमें इंजरी हो जाती है ये तो खुद रिपेयर कर सकती और है, थर्ड पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये याद करना पड़ेगा, लिपिड्स होते हैं फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स,
एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर 9th क्लास का पूरा एक टॉपिक बेस्ड है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, और कई जगह इसको सेमी परमिएबल भी लिखा गया है। इट अलाउज ओनली फ्लूइड्स टू क्रॉस थ्रू इट, सभी को नहीं पास करने देती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लो। दैट इज अलाउज ओनली सिलेक्टिव फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में एयर और वाटर या लिक्विड्स दोनों आ जाते हैं, सिलेक्टिव फ्लूइड्स। क्रॉस थ्रू दैट, क्रॉस थ्रू सभी को नहीं, सेल वॉल तो कहती है जो आना है आ जाए, जिसने जाना है बाहर जाओ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहती नहीं, आई कैन नॉट अलाउ द यूजफुल सब्सटेंसेस टू गो आउटसाइड, आई कैन नॉट अलाउ द टॉक्सिन्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस टू कम इन, राइट? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस। मैम एक्सक्यूज मी हाँ जी, मैम, प्लांट सेल में भी मैम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रोकती है चीजों को एंटर करने में। यस। देखो इसके थ्रू कुछ आ सकता है अंदर, बट अगर वो हार्मफुल है देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन डजंट अलाउ इट टू मूव इन साइड, मैम राइट? ओके सो इट मैम, अलाउ ओनली सिलेक्टिव फ्लूइड्स, फ्लूइड्स जिसको नहीं पता, ऑल्दो प्रेशर भी हमने किया है, बट फ्लूइड्स अगेन गैसेस एज वेल एज लिक्विड्स, दे आर फ्लूइड्स। इज इट ओके? मे आई रब इट? सो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए। विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल, दैट इज बोलो जल्दी से वो क्या है, विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल, कौन है हेड किसी भी सेल का? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, वेरी गुड, इट इज न्यूक्लियस, दिस इज एनिमल सेल, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, वेयर एज इन प्लांट सेल्स इट इज एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक मीन्स इट इज प्रेजेंट ऑन वन साइड नॉट इन द सेंटर। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, अ सेल, अ सेल मे हैव वन और मोर देन वन न्यूक्लियर, जरूरी नहीं कि एक ही न्यूक्लियस होगा, देयर मे बी मोर देन वन न्यूक्लियर, और कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। कैन यू टेल मी एनी सेल विच डज नॉट हैव न्यूक्लियस, एनीबडी इन योर बॉडी, इन माय बॉडी? यस, टेल मी। करेक्ट हाँ जी, एलेसेंड्रो में कोई बता रहा है? यस, वायरस 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 तो नहीं है ही नहीं है बेटा, वायरस एक बच्चा बोले, एक बच्चा, नर्व सेल,
नो एंड नो नो सेल्स नो नहीं बेटा, मैं तो कह रही हूँ कि हमारी बॉडी में देयर आर सम सेल्स विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस. योर आरबीसी मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन अवर बॉडी, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता. ठीक है, क्यों नहीं, ये तो क्लास 7th में आपको पता होना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम, आई शुड टेल यू फर्स्ट. चलिए पहला पॉइंट, राइट डाउन. आरबीसी इन अवर बॉडी आर, लिखना है सबने, आर न्यूक्लिएटेड. अंडरलाइन करो इसको, इफ यू हैव रेड पेन देन अंडरलाइन इट विद रेड पेन. न्यूक्लिएटेड, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लिएटेड? दैट इज विदाउट न्यूक्लियस. सो यू मस्ट बी सेइंग कि आरबीसीज आर देन लिविंग, न्यूक्लियस तो है नहीं, तो आरबीसीज मस्ट बी डेड सेल्स. नो, पहले ये लिखो फिर मैं बताती. क्लास 7th में पढ़ा है कि नहीं, है मैम यस ना? तो फिर कैसे भूल गए, कैसे कह दिया कि हमारे में कोई ऐसा सेल नहीं है? ठीक है, आई थिंक एवरीबडी हैज रिटन. सो न्यूक्लिएटेड व्हाई, अब ध्यान से सुनो. आरबीसीज जब वो बनते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन, दे हैव न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस को पता है कि मेरा तो लाइफ स्पैन छोटा सा है, मैंने तो चले जाना है, खत्म हो जाना है, मर जाना है मैंने तो, इसलिए मैं अपना काम पहले से कर जाऊं. ठीक है, न्यूक्लियस फॉर्म्स ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर अस. समझ गया इसके लिए वो जो रॉ मटेरियल चाहिए है वो पहले बना देता है. ठीक, सेकेंड पॉइंट, आरबीसीज लूज देयर न्यूक्लियस कब? व्हेन दे लूज? एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन, जब वो मेच्योर हो रहे हैं. बट द क्वेश्चन इज व्हाई दे लूज देयर न्यूक्लियस, क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी? न्यूक्लियस बेचारा बैठा रहता, करता रहता काम. ठीक है, बट आरबीसीज लूज देयर न्यूक्लियस सो दैट दे कैन अकोमोडेट मोर ऑफ हीमोग्लोबिन. ज्यादा से ज्यादा उसमें हीमोग्लोबिन अकोमोडेट हो सके, दैट इज व्हाई आरबीसीज लूज देयर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सेक्रीफाइज इट्स लाइफ. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूडेड? न्यूक्लिएटेड मीन्स विदाउट. ठीक है, ई फिर न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस, ई मतलब विदाउट न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लिएटेड सेल्स कौन से? लिविंग है, आरबीसीज आर लिविंग बट विदाउट न्यूक्लियस. व्हाई दे डोंट हैव न्यूक्लियस, व्हाई दे लूज देयर न्यूक्लियस, आई हैव टोल्ड यू. मैम देन प्लीज थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज, क्यों आरबीसीज क्यों न्यूक्लियस लूज कर देते हैं?
ताकि जो न्यूक्लियस ने स्पेस घेरी हुई है उसकी जगह भी हीमोग्लोबिन आ जाए। ओके देन सेकेंड आ जाता है बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। ई न्यूक्लिएटेड मैंने बता दिया, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यूनि न्यूक्लिएटेड तो सारे ही है, मैक्सिमम सेल्स जिसमें एक एक न्यूक्लियस है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स मीन्स सेल्स हैविंग मोर देन वन, और कह लो वन न्यूक्लियाई या वन न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। एंड ये भी हमारी बॉडी में है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे है, मसल सेल्स ऑफ अवर लिम्ब्स। लिम्स मीन्स आर्म्स एंड लेग्स, मसल सेल्स ऑफ अवर लिम्स। हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ओके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। ओके ओके देन ठीक है जी, चले आगे, कर लिया। लिख लो, और विंडो में बच्चे लिख रहे हैं, जल्दी से। नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं, हम पीछे आए थोड़ा। बोलता नेक्स्ट आते बेटे, बातें बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है क्या है, या न्यूक्लियस की ये सबसे बाहर क्या है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मैं इधर दिखा रही हूँ आपको, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर भी आप ऐसे ही करके दिखा सकते हो, गैप्स दिखाने हैं। ये मैंने तो एक कॉन्टिन्यूअस बना दिया था ना पहले। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, और ये क्या है, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स थ्रू विच सब्सटेंसेस कैन पास इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा एंड इन द न्यूक्लियस मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एकदम जंबल्ड अप है, बट है बहुत सारे। दिस इज क्रोमेटिन, दिस इज क्रोमेटिन। एंड इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज ए डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, दिस न्यूक्लियोलस। हेयर ऑल्सो, यहां भी न्यूक्लियर कोन है ही।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेम है बाकी। जैसे बेटा ये वायर्स का गुच्छा है ना, इसी तरह से क्रोमेटिन जो है वो आपको सेल के न्यूक्लियस के अंदर नजर आएगा। बट अगर हमने ये बहुत सारी वायर्स है ना, ये दो माइक्स आपको दिख ही रहे हैं, इनकी बहुत सारी वायर्स है जो ऐसे उलझी सी पड़ी है, राइट? तो इफ यू वॉन्ट टू सेपरेट इट, व्हाट वी विल डू है ना, हम क्या करते हैं, इस तरह कॉइलिंग शुरू करते हैं, यस और नो? एक को पकड़ के हम कॉइल करना शुरू करेंगे ताकि वो अलग हो जाए, यस और नो? है ना, यस यस यस, ठीक है। इसी तरह से ये एक थ्रेड नहीं है, बहुत सारे थ्रेड्स हैं, राइट? व्हेन द सेल अंडरगोज डिवीजन, जब उसने एक से दो सेल्स बनाने हैं, तो ये क्रोमेटिन भी डिवाइड होगा। तो अगर ऐसे डिवाइड करेंगे खींच तान के, फिर तो टूट जाएंगे, क्रोमेटिन डिस्टर्ब हो जाए। सो व्हाट द क्रोमेटिन डू, इट अंडरगोज कॉइलिंग टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, वो मैं अभी बताती हूँ, बट पहले आपने लिखो, राइट? तो बना लिया आपने, नाउ राइट डाउन, न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय, हाँ मैम जी, मैम प्लीज अगेन एक्सप्लेन व्हाई द न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट. अभी बता, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट राइट डाउन, न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज डिसकॉन्टिन्यूअस। विच इज डिसकॉन्टिन्यूअस बिकॉज, डिसकॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बिकॉज इट हैज न्यूक्लियर पोर्स। बिकॉज इट हैज न्यूक्लियर पोर्स, क्या फंक्शन है, एज द स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर अकर्स, लिख लो बेटा इधर उधर ना, और बिंदु बेटा लिख लो, देयर अकर्स एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन न्यू, बिटवीन साइटोप्लाज्म, ये आपको पता है दिस इज साइटोप्लाज्म, बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, देयर अकर्स, ठीक है अलेजेंड्रो, समझ आ गया बेटा? यस देयर अकर्स एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह आप देखोगे जहां पे डायग्राम्स है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस विद, ध्यान से बनाना है आपको, आई होप दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज कॉन्टिन्यूअस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक
ब्रेड ठीक है ना, एक जगह से नहीं कई जगह से हो सकता है। दिस इज ऑल्सो यहां पर भी सेम ही। दिस इज ऑल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या फंक्शन है, क्यों ये कॉन्टिन्यूअस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? तो लिखो एंडोप्लाज्मिक, नेक्स्ट वर्ड लिखिए, एक लिख लो फिर बनाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन, है ना, आपको कई जगह दिख जाएगा कि इट इज कॉन्टिन्यूअस विद, बट क्यों है, क्या जरूरत है? इट हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इफ गेट्स इंजर्ड। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इंजरी हो जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी रीजनरेशन में हेल्प करता है। हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट गेट्स इंजर्ड अगर। हाँ जी बेटा, जो आपने पॉइंट लिखवाया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मैं मीनिंग क्या बना कुछ समझ नहीं आया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि अगर हम देखें, इधर देखें जरा हम, कि ये मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ, देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसके साथ ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाता है। कैन यू सी, मैम यस, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस है। बना लो ऐसे थोड़ा सा रब करके बना लो। मैम ओके थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और क्यों, व्हाई दीज क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड। मेरी तरह नहीं करते ना कि अच्छा मैम ने कह दिया कॉन्टिन्यूअस है तो होएगी, क्या करना है, इट्स ओके। नो, अगर मैं नहीं बताऊं यू शुड आस्क मी कि मैम क्यों कॉन्टिन्यूअस है। ओके हेलो देन नेक्स्ट इज, आई एम नेक्स्ट इज, हियर। बातें नहीं अरविंदो, बातें नहीं। इनसाइड न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंट नेटवर्क ऑफ, लिख लो, इनसाइड न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंट, राइट डाउन इन योर कॉपी अरविंदो, लिख लो, बच्चे थक जाते हो आई नो, है ना, थक तो जाते हो, छोटे बच्चे हो, बट लिखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। इनसाइड न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंट, इनसाइड न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंट नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर पूरा लिखना है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज क्रोमेटिन, विथ लॉन्ग एंड कॉइल्ड, विच इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड। एक्सक्यूज हाँ जी, मैम, व्हाट इज द यूज ऑफ क्रोमेटिन? अभी बताती हूँ, अभी आते हैं बेटे, अभी तो हम बता रहे हैं कि भी है यहाँ पर, अभी यूज भी बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज क्रोमेटिन, दिस इज क्रोमेटिन। ड्यूरिंग डिवीजन
अरे अरे देखो फटाफट से, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटिन है। ड्यूरिंग डिवीजन ध्यान से बातें अरे करोगे अरे तो समझ नहीं आएगा। ये क्रोमेटिन है, ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस्ड। यहाँ पे बेटा विच इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड, काट दो, अनकॉइल्ड है बेटा, लंबे लंबे है ना, कॉइल्ड तो है ही नहीं है, कॉइलिंग तो अभी होगी। आई एम सॉरी, यहाँ पे ठीक करो। विच इज लॉन्ग एंड अनकॉइल्ड, एक दूसरे से चिपके जरूर हुए हैं, टेंगल्ड जरूर है, बट अनकॉइल्ड बिफोर डिवीजन। सो प्रिपरेशन अच्छा फॉर अच्छा डिवीजन, अच्छा ये कंडेंस हो गए, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। और जब सेल ने डिवाइड करना यू कैन सी दो सेल बने, अच्छा और फिर इस तरह से सी है, पहले बहुत ज्यादा इलोंगेटेड है, बिफोर डिवीजन दे कॉइल, दे कंडेंस, डिस्टिंक्ट हो गए। हम गोले बनाते हैं ना, हम ऊन के गोले बनाते हैं, आपके दो कलर्स के ऊन के धागे जो है वो एक दूसरे से टेंगल हो गए, तो आपकी मम्मा क्या करती है उनको अलग करने के लिए, उनके बॉल्स बनाती है, राइट? जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ना, हमने टेंगलिंग के लिए क्या किया, बॉल्स बनाने शुरू कर दी ताकि अलग अलग हो जाएं, राइट? इसी तरह से नेचर में भी, सेल में भी क्रोमेटिन जो है वो बॉल बनाने, कंडेंस कॉइलिंग होनी शुरू होती है, सो दैट जो क्रोमेटिन है वो अलग अलग हो जाए, धागे वो अलग अलग हो जाए ना, वो जो धागे छोटे करके अलग अलग हुए हैं उनको हम क्या क्या देते हैं, क्रोमोसोम्स। एंड देन आफ्टर डिवीजन दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच, राइट? सो राइट डाउन, लिखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, ये बना भी लेना, अच्छा फर्स्ट राइट डाउन। ये मैं लेक्चर पूरे का पूरा आज ही अपलोड भी कर दूंगा, आज नहीं तो कल। आपको सबको हमारा चैनल पता है, के एडुकॉन ई लर्निंग, राइट डाउन, हमारे यूट्यूब पे चैनल का नाम है के एडुकॉन। बातें बातें नहीं, के अजकॉन ई लर्निंग, के अजकॉन ई लर्निंग हमारा यूट्यूब पे चैनल है बेटा। वो सारे हमने अभी पब्लिक नहीं किए हुए हैं लेक्चर, बट सारे रिकॉर्डेड है। ये वाला आज का लेक्चर मैं पब्लिक कर दूंगी, सो दैट यू कैन सी दिस टॉपिक, अगर आपने कुछ आपका मिस हो गया हो, राइट? सो नाउ राइट डाउन, बिफोर डिवीजन राइट डाउन, या ड्यूरिंग डिवीजन रूट यू कैन राइट, ड्यूरिंग डिवीजन क्रोमेटिन, ध्यान से फटाफट हम न्यूक्लियस तो खत्म करें, द क्रोमेटिन बेटा, और बिंदु बहुत आवाज, बहुत आवाज, क्रोमेटिन गेट्स कॉइल्ड एंड अच्छा कंडेंस, कंडेंस मीन्स छोटा हो जाना, कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। व्हाट इज द डिफरेंस, लिखो जरा क्वेश्चन, पहले ये लिखो, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, बस हम खत्म करेंगे क्रोमोसोम का फंक्शन बता के, वी विल फिनिश ऑफ। आई नो वॉच मेरे सामने है, घड़ी मेरे सामने है, आई कैन सी द टाइम, कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ठीक है? और यहाँ पे आप इस तरह से बना भी सकते,
बिल्कुल दिस इज बिल्कुल कॉमेटेड दिस इज क्रोमोसोम और बिफोर डिवीजन आपको हमेशा ये डबल ही नजर आए। ठीक है, ये बहुत बड़ी क्लासेस तक नहीं बच्चों को पता चलता डिफरेंस इन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। हमारे सिर्फ डिवीजन के टाइम ये मिलेगा, नॉर्मल सेल्स में यही मिलेगा। से क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो फर्स्ट राइट, हम सबको कहते हैं ये हमारी ना जीन्स ही ऐसी है ना। आप जनरली, आपकी मम्मा कुछ कहेंगी कि क्या कर रहे हो, तो आप जनरली आजकल बच्चे कह देते हैं जीन्स ही ऐसी है हमारी, हम क्या करें, है ना। कोई भी बिल्कुल कि भी अगर बच्चा थोड़ा सा मोटा हो गया तो मम्मी ने कहा भी पतले हो जाओ, क्यों मोटे हुए जा रहे हो बैठे बैठे, तो वो कहते हैं हमारी जीन्स ही ऐसी है, हम क्या करें। ठीक है, तो व्हाट इज द स्मॉल सेगमेंट, जीन्स क्या चीज है, स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कह लो और क्रोमोसोम कह लो, वन एंड द सेम थिंग। Are called as genes. Segment, छोटे छोटे सेगमेंट क्रोमेटिन की या क्रोमोसोम की, उनको क्या बोलते हैं, जीन्स बोल देते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन्स, जीन्स कंट्रोल्स वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल्स। कैसे, अभी आपने मेरे से पूछा कि क्रोमोसोम्स का क्या फंक्शन है, तो हम कहेंगे क्रोमोसोम्स कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। कैसे, क्योंकि क्रोमोसोम्स के पास छोटी छोटी सेगमेंट्स है जिसको हम जीन्स कहते हैं, जीन्स कंट्रोल फंक्शंस ऑफ द सेल। कैसे, हाउ, तो वो अब आप कैसे, हाउ, द आंसर इज जीन्स हैव इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, और इसको अंडरलाइन करना है आपने, एंड इट इज प्रोटीन। ये मैंने पहले दिन ही आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली दैट इट इज प्रोटीन्स विच कंट्रोल ऑल द फंक्शंस, एंड प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन किसके पास है, जीन्स के पास है। अंडरलाइन करो इसको। अगर इस इंफॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ गलती हो गई, तो प्रोटीन गलत बनेगा, और अगर प्रोटीन गलत बनेगा तो एक सेल में फंक्शन इम्प्रॉपर हो जाएगा और फिर डिजीज हो जाए। इज इट ओके? ठीक है जी, इज इट राइट? क्या लिख लिया सबने? तो एक चीज का सब डायग्राम पे आते हैं बस, और कुछ नहीं। यस टेल मी, मैम जो आपने अभी कहा है कि मतलब वो डिजीज हो जाएगी, वो दोबारा एक्सप्लेन कर दो। अगर किसी इंफॉर्मेशन, अगर आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल गई कि आपने गलत होमवर्क, आपको मिला इंग्लिश का होमवर्क और आपको इंफॉर्मेशन मिली कि हिंदी का होमवर्क करना है, तो अगले दिन आपको डांट पड़ेगी कि नहीं, है ना। सारा दिन आपकी खराब हो जाएगा कि नहीं, मैम ने सुबह सुबह आके डांट दिया, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन गलत मिली। अगर कुछ इंफॉर्मेशन डी ये क्रोमेटिन में हो जाती है, अगर कुछ इसमें इंफॉर्मेशन गलत हो, करेक्ट प्रोटीन नहीं बना, किसी कारण से वो गलत इंफॉर्मेशन हो गई, तो वहां पे एक हार्मफुल प्रोटीन बन जाएगा यूजफुल प्रोटीन की जगह। इट विल नॉट कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शन प्रॉपरली, और अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा तो हमें क्या होगा, डिजीज होगा ना बेटा। यस और नो? ठीक है जी, सो दिस इज, और बस ये डायग्राम के बाहर बनाना कि आउटसाइड
क्योंकि ये पिछली बार भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। आउटसाइड न्यूक्लियस देयर इज प्रेजेंट पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, इनको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, और आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, इसको कह देते हैं सेंट्रोसोम। वन सेंट्रोसोम, वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को कह देते हैं वन सेंट्रोसोम। प्लांट सेल्स में नहीं है ये, एनिमल सेल्स में। जनरली अगर फंक्शन पूछा जाए तो इट हेल्प्स इन, ये नहीं कि सिर्फ यही सेल डिवीजन कॉज करता है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, इसके बगैर भी सेल डिवीजन हो सकता है, फंक्शन है, बट इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। और न्यूक्लियोलस का फंक्शन एक कर लो, यस न्यूक्लियोलस इट फॉर्म राइबोसोम, सर। राइबोसोम्स अभी हम आगे करेंगे। राइबोसोम्स लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोलस का फंक्शन। जब हम न्यूक्लियोलस पढ़ रहे हैं तो इसका फंक्शन भी पता होना चाहिए। इट फॉर्म राइबोसोम्स, मिलेगा नहीं बुक में। क्लियर, न्यूक्लियस क्लियर है बेटा? जिसको क्लियर है फटाफट रेज योर हैंड्स, बी एक्टिव। बस अब हमने छुट्टी करनी है इस हिसाब से कि बस मैडम छोड़े सही, फटाफट से रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। इस सेल वॉल क्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। अगली बार हमने इसमें से रीजन असर्शन करने, ऑल्दो मैंने ये एक दिन में खत्म कराना था चैप्टर, बट इट इज टेकिंग लॉन्ग बिकॉज यू हैव नॉट डन इन योर क्लास, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग लॉन्ग। बट नो प्रॉब्लम, आपकी मैम जल्दी करा देंगी अगर आपको आता होगा, ठीक है? तो इट विल बी बेनिफिशियल इन दैट। अगली बार हम बाकी की ऑर्गेनाइज करेंगे, बस 2-3 रह गए अभी के लिए। राइट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो, ओके बेटा, बाय बाय, सी यू। ठीक है, ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी, किसी ने डायग्राम नहीं बनाया होगा, कुछ है तो घर जाके बनाना है, ठीक है? बाय, जल्दी होती है, फटाफट से, ठीक है मैडम? छोड़ो सही हमें, है ना? चलिए, ओके बाय। ठीक है।